हरियाणा के नूह में हिंसा के बाद राज्य सरकार के बुलडोजर एक्शन पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। हाईकोर्ट का आदेश आते ही डिप्टी कमिश्नर धीरेंद्र खडगटा ने तुरंत अधिकारियों को कार्रवाई से रोक दिया। सरकार की डिमोलिशन ड्राइव का हाईकोर्ट ने सुओ मोटो लिया था। हिंसा के बाद नूह में पिछले चार दिन से तोड़फोड़ की कार्रवाई चल रही थी। इस दौरान 753 से ज्यादा घर, दुकानें, शोरूम, झुग्गियां और होटल गिराए जा चुके हैं। प्रशासन ने इन्हें अवैध बताते हुए कहा कि इनमें रहने वाले 31 जुलाई को हिंसा में शामिल थे। नूह में अब तक प्रशासन ने 37 जगहों पर कार्रवाई कर 58 एकड़ जमीन खाली कराई है। इनमें से 162 स्थायी और 591 अस्थायी निर्माण गिराए गए। वहीं दूसरी तरफ कर्फ्यू में ढील बढ़ने लगी है। सोमवार को प्रशासन ने सरकारी ऑफिस, बैंक, एटीएम खुलने की छूट दी। हालांकि बैंक और एटीएम सुबह 11 बजे से 3 बजे तक ही खुलेंगे। कर्फ्यू में छूट का समय अब सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक कर दिया गया है। प्रशासन का कहना है कि सरकारी ऑफिस या बैंक, एटीएम जाने के लिए लोग पहचान पत्र दिखाकर जा सकते हैं। आप देख सकते हैं सारे सबने खुलना चालू कर दिया और जो समय रेस्ट्रिक्शन हमने दिया है उसी के अंदर क्या कुछ आपने रिस्ट्रिक्शन दिया कितनी देर के लिए मात्र? देखिए ऐसा है, अभी तो हमने आज तो 9 से 1 बजे तक के लिए कहा है। जैसे जैसे हमको लगेगा कि सामान्य हालात होते जा रहे हैं, वील मेक श्योर कि उसको लंबा समय तक ओपन किया। इंटरनेट सर्विसेज का सर क्या? इंटरनेट सर्विसेज अभी थोड़ा सा हमने रोक लगा रखी है और ये रोक आगे भी जारी रहेगी। जैसे जैसे ओपन हमको लगेगा कि माहौल ठीक होते जा रहा है, हम उसका उसमें रिलैक्सेशन देने की कोशिश करें। नू में 8 अगस्त की रात 12 बजे तक इंटरनेट बंद रहेगा। पलवल में आज यानी 7 अगस्त 12 बजे तक इंटरनेट बंद रहेगा। फरीदाबाद के वल्लभ नगर में तनावपूर्ण हालात को देखते हुए रविवार देर रात इंटरनेट बंद कर दिया गया, जो आज रात 12 बजे तक बंद ही रहेगा। नू से सटे पलवल जिले में एक हफ्ते से बंद स्कूल और शैक्षणिक संस्थान खुल गए हैं। हालांकि सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या काफी कम है। यहां सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।